लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। विपक्षी दलों के नेता चुनाव के लंबा खींचने का आरोप लगा रहे हैं और इस पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। 7 चरणों में मतदान कराए जाने की आखिर जरूरत क्या है, सवाल ये उठाया जा रहा है। जबकि बीजेपी के साथ एनडीए के घटक दलों ने चुनाव की तारीखों का स्वागत किया है और विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए जवाब दिया कि अगर 7 चरणों में चुनाव हो रहा है तो वक्त तो सभी को बराबर मिलने वाला है, फिर इस पर आखिर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस, टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी 7 चरणों में चुनाव कराए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा इसमें असमानता किस बात की। All development work will be stopped. And stopping nearly 70-80 days means you imagine how the country will progress. Because election code of conduct, people will not move. तो आप इस चुनाव को 4 चरण 3 चरण में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि 7 चरण में से आप बार बार करवाते हैं और आप सारी नसीहत केवल पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं और आपको अच्छे से पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति आज देश में क्या हो गई है सरकार के सामने। फिर भी अब हम सब चुनाव में जब आ ही गए हैं तो चुनाव में जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे और एक अच्छा लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र भारत देश में आए इसकी कामना करेंगे। आमरा बार बार बोलेछिलाम जे पश्चिमबंगेर क्षेत्रे এই নির্বাচনের ধাপ দুটি ধাপে অথবা একটি ধাপে হোক, কিন্তু আমরা দেখলাম যে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে 7টি দফায় নির্বাচন ঘোষণা হলো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে। লম্বা এক ফেজ হ্যাঁ, যেমন পেলা ফেজ 19 अप्रैल से शुरू होकर के और लास्ट फेज जून के महीने में भी चला गया और 4 जून को रिजल्ट निकलेगा। और हमारा हरियाणा का जो शेड्यूल है 6ठे चरण में और 25 मई को हमारा चुनाव होगा और स्वाभाविक है कि 2 महीने से ऊपर का समय है। और मैं समझता हूँ पहली बात तो है कि किसी एक पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए बराबर समय है और सबको अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए, तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और इस पर्याप्त समय में हर कोई अपने अपने हिसाब से चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि एक नेटवर्क बहुत अच्छा है हमारा और उस नेटवर्क के कारण से लंबे समय का हमको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कोशिश उनकी कामयाब होने वाली नहीं है, हर जगह मोदी मोदी है, आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी और इस राष्ट्र को फिर से विश्वगुरु बनाएंगे मोदी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किन किन तारीखों पर चुनाव होने वाले हैं। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बकायदा इसकी विस्तार से जानकारी भी दी। देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं और 4 तारीख को मतगणना होगी यानी रिजल्ट आएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, 7 मई को तीसरे चरण का, 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा, 20 मई को पांचवें चरण का और 25 मई को 6ठे चरण का चुनाव होने वाला है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान होगा और 4 तारीख को काउंटिंग और नतीजे आएंगे। राजस्थान में भी बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि वे 25 की 25 लोकसभा सीटों पर इस बार भी जीत हासिल करेंगे। बार बड़ी जो कमान मिली है 25 लोकसभा सीटें, किस तरीके से आप इन लोकसभा सीटों के ऊपर रणनीति रहने वाली है? देखिए कमान एक व्यवस्था के नाते होती है, लेकिन हमारे यहाँ टीम राजस्थान मिलकर काम करती है। सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं और मुझे लगता है इस बार पार्टी और कार्यकर्ताओं से आगे जनता चल पड़ी है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अब ये जनता का नारा बन चुका है, न सिर्फ पार्टी का। आप अभी कह रहे थे कि आम जन का जो नारा बन गया इस बार 400 पार, ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस ये कहां से आता है? जनता के द्वारा आता है, क्योंकि एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो एक परिवार को अपना देश मानती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे देश को अपना परिवार मानती है और यही मानी प्रधानमंत्री जी ने मानकर 140 करोड़ लोगों के लिए किया है और अपना पल पल और अपना क्षण क्षण माँ भारती के लिए दिया है, इस देश के लिए दिया है, इस देश के कल्याण के लिए किया है। और आप देखिए
कि इसीलिए कहे जाते हैं चाहे रेलवे में हो, सिविल एविएशन में हो, रोड्स में हो, ग्रामीण सड़कें हो, हाईवे हो, गरीब कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, किसान की उन्नति प्रगति हो, हर मामले में आप 21 दिखाई देंगे कि आखिर क्या कारण है कि आपने 30, 40, 50 सालों तक देश में राज किया और इनसे ज्यादा मोदी जी ने 10 वर्षों में काम करके दिखाया। अपने अपने दावे और प्रतिदावे, लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब ये साफ हो चुका है कि सभी सियासी दलों के पास अब तूफानी प्रचार करने के लिए लगभग 4 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। लेकिन इस बीच ये देखना आप सभी के लिए दिलचस्प हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं इस बार 400 पार, वो कैसे साबित होगा। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। आपके काम है मोदी उड़े गारंटी। 7 चरण में मतदान, जीत की 7 गारंटी। सोलह मार्च को जिस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपनी टीम के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में 400 प्लस सीटें जीतने की गारंटी दे रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी और उनकी टीम सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची करने में लगे थे। जिस वक्त चुनाव आयोग 7 चरणों में मतदान कराने की घोषणा कर रहा था, उस वक्त एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी 7 रणनीतियों से विरोधियों को चित करने की गारंटी दे रहे थे। वहीं इंडिया गठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो किन मुद्दों पर एनडीए को चुनाव में हराने के दावे करे। 38 से ज्यादा दलों से बना एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है। एनडीए का खुनबा बढ़ रहा है और इंडिया का खुनबा बिखर रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है, इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार इतमणा नानोरिल अधिगम, इतमणा 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है और मुझे लगता है इन्होंने 2 चीज तो कर दिया, गरीब के लिए, सामान्य के लिए जो सबसे मुश्किल होता है, 5 किलो राशन और 5 लाख का इलाज। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब 543 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब मतदान होने में बहुत कम वक्त बचा है, तो ऐसे हालात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए क्या वाकई में फायदे का सौदा है या फिर ये सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे को चमकाने भर की कोशिश है, क्योंकि पीएम मोदी के तूफानी दौरे के आगे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो लगातार पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि राहुल पीएम मोदी पर सटीक वार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पीएम मोदी पूरे इंडिया गठबंधन पर सीधा वार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंडअप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला ना मेक इन इंडिया मिला। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने दशकों तक देश में
गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया क्या? कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। 400 प्लस की गारंटी, मोदी के 8 मास्टर स्ट्रोक। इंडिया गठबंधन में अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर आपस में इतने मतभेद क्यों हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक कांग्रेस भी सभी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कांग्रेस को अपने सर्वे में कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिसकी वजह से कांग्रेसी नेतृत्व को लगता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को खास तौर से मुस्लिम वोट बैंक से भरपूर वोट मिल सकते हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट खिसकने के डर से इंडिया गठबंधन से किनारा करना बेहतर समझा।